हेलो दोस्तों, मैं जगदीश गुप्ता फिर से आ गया हूँ स्मार्टरस्पॉइंट की तरफ से आप लोगों के लिए। आज का टॉपिक हमारा आर्टिकल्स। सबसे पहले समझते हैं आर्टिकल्स होता क्या है। जैसे कि मैंने पहले ही ऊपर लिख के रखा हुआ है, मॉडिफाइड नाउन पर्सन प्लेस थिंग आइडियाज एक्सेट्रा। फिर एक आर्टिकल एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी भी नाउन को मॉडिफाई करता है। अगर हम ध्यान से टेक्निकली बात करें तो एक आर्टिकल जो होता है वो एक तरह का एडजेक्टिव ही होता है, बट एडजेक्टिव हमेशा उसकी डेफिनेशन के साथ या कहा या तो एक्सप्लेन करता है उसके बारे में, लेकिन एक आर्टिकल जो होता है वो पॉइंट आउट करके हम किसी चीज़ के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। सो आर्टिकल्स में तीन पार्ट होते हैं। पहला होता है ए, दूसरा होता है एन और तीसरा होता है द। जैसे मैंने पहले लिखा है ए एन द, लेकिन कहाँ पर किसका यूज करेंगे इसके लिए हमें ये समझना होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं ए की। तो ए का यूज हम ऐसी जगहों पर करेंगे जहाँ पर प्रोनाउंसिएशन करते समय जो हमारा वर्ड है, वर्ड मीन्स जो हमारा नाउन है, वो नाउन कॉन्सोनेंट से शुरू हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लिखता हूँ बॉय, तो बॉय के आगे हम क्या लगाएंगे? अ बॉय। ओके, नेक्स्ट एक और कॉन्सोनेंट से जो शुरू होता है, कॉन्सोनेंट मीन्स आप समझते होंगे वॉवेल होता है ए ई आई ओ यू एंड अदर 21 अल्फाबेट्स आर नोन एज कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होने वाले कोई भी चीज, जैसे बात करते हैं अगर बेबी, ये कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है अ बेबी एंड गर्ल, अ गर्ल। ओके, लेकिन क्या हो एन के यूज के समय? तो एन के यूज के समय हमें ये देखना होता है कि वो कॉन्सोनेंट नहीं वॉवेल होना चाहिए। ओके, फॉर एग्जांपल वॉवेल से ले सकते हैं अ एन अम्ब्रेला। ओके, यहाँ हम देख सकते हैं ये अम्ब्रेला जो वर्ड है वो वॉवेल से शुरू हुआ है, तो इसलिए हम यहाँ पर यूज करते हैं एन। लेकिन एन का यूज करते समय हमें ये ध्यान देना है कि वो सिर्फ वॉवेल से स्टार्ट ही ना हो वर्ड, बल्कि जब हम उसे प्रोनंसिएट करें, इतने जब हम उसका उच्चारण करते हैं हिंदी में, तो भी वो एक वॉवेल से आए, यानी वो एक स्वर से बोला जाए। जैसे हम अम्ब्रेला को किससे बोलते हैं? अम्ब्रेला हम बोलते हैं अ से, अम्ब्रेला। तो अ जो है और एक स्वर है, यानी एक वॉवेल है हिंदी में भी, हम जब उसको बोलते हैं तो भी एक वॉवेल में ही बोलते हैं, इसलिए हम इसको कहेंगे एन अम्ब्रेला। दूसरी तरफ क्या होगा अगर कोई ऐसा वर्ड हम यूज करें जिसे हम लिखते तो वॉवेल्स हैं इंग्लिश में, लेकिन बोलते वक्त हिंदी में हम उसे स्वर से ना बोलकर व्यंजन से बोले। एग्जाम्पल के तौर पर यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी क्या है? यूनिवर्सिटी मतलब विश्वविद्यालय। अगर यूनिवर्सिटी को हम ध्यान से देखें तो हम बोलते समय किस लेटर का यूज करते हैं? य, यू। शुरू में क्या आ रहा है? यू। यू का मतलब है य से स्टार्ट हो रहा है, तो य से स्टार्ट होने वाला जो वर्ड है ये वोवेल से स्टार्ट नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पर एन अप्लाई नहीं हो सकता। यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे? अ यूज करेंगे। एंड द लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज द का यूज कैसे किया जाता है। तो द का यूज करने के लिए हमें ऐसे वर्ड्स को यूज करना होता है जैसे नाउन में कई ऐसे वर्ड्स होते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं जिनका कोई भी सेकेंड पार्ट नहीं होता है, तो या फिर दूसरा कुछ नहीं होता है। जैसे अगर हम बात करते हैं अर्थ की, ठीक है, अर्थ स्टार्ट हो रहा है ई से, बोलने में भी शुरू में अ आ रहा है, तो क्या हम यहाँ एन लगा देंगे? नहीं, हम यहाँ एन नहीं लगा सकते, क्योंकि अर्थ एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। इसमें सिर्फ दुनिया भर में या पूरे हम लोग यूनिवर्स में देखें तो सिर्फ एक ही अर्थ है, तो जो चीज़ें पूरे यूनिवर्स में सिर्फ एक ही हो या पूरे वर्ल्ड में एक ही हो, ऐसी चीज़ों के लिए हम द का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अनदर वर्ड इज इंडिया। इंडिया हमारा देश है, तो क्या इंडिया नाम के बहुत सारे देश होंगे? नहीं, तो इसमें हम क्या यूज करेंगे? द का यूज करेंगे, क्योंकि इंडिया में ई से हम बोल तो रहे, लेकिन यहाँ हम एन का यूज नहीं कर सकते। एन और ए का यूज हम तब तक ही करेंगे जब तक कि वो चीज़ें दूसरी भी मौजूद हो, जैसे एन आइसक्रीम। अब देख सकते हैं आइसक्रीम लिखते समय आइसक्रीम और भी होंगी, ठीक है, तो यहाँ हम क्या यूज करेंगे? एन, क्योंकि आइसक्रीम और भी होंगी, सिर्फ एक नहीं होगा। दूसरी तरफ यहाँ पर क्लेवर मैन, क्लेवर मैन, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे अ क्लेवर मैन, क्योंकि चालाक आदमी और भी हो सकते हैं, क्लेवर मैन और भी हो सकते हैं। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।